एनडीपीएस टीम हनुमान नगर में कार्यरत 6 मराठा रेजिमेंट के पूर्व सैनिक मंगेश कृष्णा उरकुड़े की छत पर करंट लगने से मौत हो गई। उन्हें मेडिकल अस्पताल ले जाया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव उनके निवास स्थान पर ले जाया गया। मंगेश उरकुड़े के घर में बिजली न होने की वजह से वह छत पर गए थे कि तभी अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। इसी बीच बिजली भी शुरू हो गई। इस दौरान उन्हें जबरदस्त करंट लगा जिससे उनकी मौत हो गई। उनका शव अस्पताल से घर लाने के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए भारी संख्या में सेना के एक सर्विसमैन तथा एनडीपीएस टीम कमांडर वीरसेन तांबे के साथ सभी जोन के प्रमुख अधिकारी व जवान उपस्थित थे। दिनांक 24/5/2022 को शाम 6 बजे पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि शिवम हाउसिंग सोसाइटी चांदमारी पुलिस स्टेशन वाठोड़ा, यहाँ पर रहने वाले मंगेश उरकुड़े उम्र 40 साल, इनकी करंट लगने से मृत्यु हो गई है। इसके बारे में जानकारी हमको मिली कि उनके घर पे जो किराए से रहने वाले थे उनका घर का बांधकाम शुरू था, उनके पीछे रह वहाँ पे बांधकाम शुरू था और वो किराए से उनके घर के ऊपर पहले मरले पे रहते थे और उन्होंने उस बांधकाम जहाँ पे शुरू था वहाँ से जो सप्लाई था अपने घर के लिए तो वो उनके वहीं से सप्लाई लिया हुआ था और वो जो सर्विस वायर था उसके उनके बांधकाम के वहाँ से पहले मजले पे उन्होंने लिया हुआ था। मगर परसों के दिन 24 तारीख को जो आंधी तूफान आई उसमें वो वायर कट हो गया और उन्होंने जो सोलर का जो ऊपर लगाया हुआ है उसका जो एयर पाइप है वो ऊपर के साइड में उसको फिक्स करने के लिए 3 लोखंडी वायर लगाए हुए थे तो एक लोखंडी वायर को वो जो सर्विस वायर था उस पर लगा हुआ था और वो आंधी तूफान की वजह से वो कट हो गया और उसका सप्लाई उस 3 वायर में पास हो गया। इसके आंधी तूफान आने की वजह से ऊपर जो सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और जो कचरा वगैरह आया था उसको साफ करने के लिए मंगेश उरकुड़े ऊपर गए थे और उनके बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे तो उन्होंने आवाज़ दिया और बाद में बच्चे नीचे चले गए मगर वहाँ पे वो साफ सफाई करने लगे और उस दौरान उनका ध्यान नहीं गया, उसी 3 जो लोखंडी वायर है उसको गलती से उनका हाथ लग गया और वही शॉक लगकर वो ज़मीन पे पड़े हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी उनको आवाज़ देने गई, बुलाने गई, ऊपर गई, तब उनको पता चला कि यहाँ पे उनके पति को करंट लगा हुआ है और वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं। इसके बाद उन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों को आवाज़ दी और बाद में MSEB को जानकारी दी इसके बारे में और सप्लाई कट किया। सप्लाई कट करने के बाद में उनको पुलिस स्टेशन को ये जानकारी मिली और हमने पुलिस कर्मचारी वहाँ जाकर उनको अस्पताल में ले गए। बाद में उनका पोस्टमार्टम उसी दिन दूसरे दिन करवाया। VKB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।